नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे पानी पीने के फायदों के बारे में। पानी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी में से सारे जहरीले तत्वों को बाहर निकाल कर हमें स्वस्थ रखता है। पानी के बिना कोई भी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता है। केवल इंसान को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे और जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग सिर्फ प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं दोस्तों, लेकिन ये गलत है। केवल प्यास लगने पर ही नहीं बल्कि इंसान को एक दिन में नियमित रूप से कम 8 से 9 ग्लास पानी पीना ही चाहिए दोस्तों। पानी पीने के कई और भी फायदे हैं हम आपको बता रहे हैं आज दोस्तों। हर किसी को गर्मी के दिनों में अक्सर लू लगने का डर रहता है। इससे बचने के लिए अगर आप घर के बाहर निकलने से पहले 2 से 3 ग्लास पानी पीकर निकलें तो आपको लू नहीं लगेगी। आप पानी में चाहें तो ग्लूकोज भी मिला सकते हैं दोस्तों। इससे भी आपकी बॉडी में काफ़ी देर तक नमी बनी रहती है जिससे कि लू लगने का खतरा कम रहता है। बहुत से लोगों को कब्ज की वजह से सुबह सुबह बाथरूम में काफ़ी वक्त लग जाता है जिसकी वजह से उन्हें हर काम में लेट हो जाता है दोस्तों। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप हर रोज़ सुबह खाली पेट में कम से कम 2 ग्लास गर्म पानी को पिएं। इससे आपका पेट जल्दी साफ होगा, साथ ही आपको कब्ज से भी छुटकारा मिलेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कम पानी पीने की वजह से कई प्रॉब्लम हो सकती हैं दोस्तों, जैसे कि जबान में छाले का हो जाना, पेशाब में जलन होना इत्यादि, जिसकी वजह से हमें कई तरह के तकलीफ होते हैं। कम पानी पीने से हमारा पेट गर्म हो जाता है, अतः हर 1 से 2 घंटे में 1 से 2 ग्लास पानी पीते रहना चाहिए। इससे हमारे पेट को ठंडक मिलती है, साथ ही छाले भी नहीं होते हैं। चेहरे पर मुहासे निकलने का कारण सिर्फ प्रदूषण ही नहीं बल्कि कम पानी पीने की वजह से भी फेस पर किल मुहासे निकल आते हैं। अगर आप एक दिन में लगभग 10 ग्लास भी पानी पीते हैं तो आपका चेहरा चमक उठेगा, साथ ही आपके चेहरे पर निकले किल मुहासे भी ठीक हो जाएंगे। बेहतर परिणाम के लिए पानी को 3 से 4 घंटे के लिए किसी तांबे के बर्तन में रख कर छोड़ दें और फिर पी लें। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और साथ ही आपके खाने पर भी कंट्रोल नहीं है तो आप अपने वज़न को कम करने के लिए रोज़ाना सुबह उठने के बाद ब्रश करके सबसे पहले 1 गिलास पानी को हल्का गर्म कर लें। अब उस पानी में 1 चम्मच शहद और साथ में 1 चम्मच नींबू के रस को अच्छे से मिला लें और फिर उस मिश्रण को पिएं। इससे आपका वज़न कम होगा दोस्तों। आप चाहें तो रोज़ाना ठंडे पानी की जगह पर सिर्फ गर्म पानी भी पी सकते हैं, इससे भी आपका वज़न कम होगा। अगर आपके सीने में अक्सर जलन रहती है या फिर आपको गैस की समस्या है तो आप रोज़ रात को किसी तांबे के जग या गिलास में पानी को रखकर सुबह खाली पेट में उस पानी को पी लें। इससे आपके सीने का जलन और गैस की समस्या भी ठीक हो जाएगी। अगर आप तांबे के बर्तन में रखे पानी का सेवन हर रोज़ और हर वक्त करते हैं तो आपको लीवर से जुड़ी कोई भी बीमारी कभी नहीं होगी। अगर नियमित रूप से सही मात्रा में पानी पिया जाए तो हमारी बॉडी की पाचन क्रिया हमेशा ही सही रहती है। इसीलिए खाना खाने के बीच में पानी न पीकर खाना खाने के कम 30 मिनट के बाद 2 से 3 ग्लास पानी पीना चाहिए। इससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। आमतौर पर देखा गया है कि माइग्रेन के मरीज को ज़्यादातर सर के 30 मिनट में तेज़ दर्द होता है और तो और कई बार दर्द की वजह से उल्टियां भी होने लग जाती हैं। अतः माइग्रेन के मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, इससे उससे आराम मिलता है। साथ ही ज़्यादा पानी पीने से मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होती है दोस्तों। बदलते मौसम या फिर डैंड्रफ ही केवल बाल झड़ने का कारण नहीं होता, कम पानी पीने से भी
इंसानों को इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः अपने बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने कि पानी पीना हमारे लिए किस प्रकार से लाभप्रद साबित होता है। इसी प्रकार से अगली बार हम जब आप लोगों से जुड़ेंगे दोस्तों, तो कुछ और महत्वपूर्ण औषधियों को या फिर ऐसी ही किसी चीज़ को लेकर के आएंगे जो आपके लिए बेहद कारगर और लाभकारी साबित करने वाली होगी दोस्तों। तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ते हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।